हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में मंगल जो 1 वर्ष 18 दिन चलेगा वृश्चिक लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए विशेष वीडियो, मतलब जिनकी राहु की दशा, मंगल की अंतर दशा और वृश्चिक लग्न, और जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होता ही है वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आते रहती, ज्योतिषी का एक्सपीरियंस जुड़ते जाता धीरे धीरे, क्योंकि ज्योतिषी वो बहुत लंबे समय से काम करता है, अनुभवी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें फलित सही बताता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूरत पड़े तो इस पर बात कर सकते हो, ठीक है। कुंडली विश्लेषण के वास्ते ब्रह्मा मुरारी त्रिपंकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभात। ज्योतिष का उद्देश्य यह है कि आप कहीं फंस गए हो तो आपको जो है सहारा देना, ठीक है। आप बिल्कुल उदास हो गए हो तो आपके जीवन में संचार करना, ये उद्देश्य है ज्योतिष का, ना कि और आपको आध्यात्मिक मार्ग में ले जाना, आपका चरित्र निर्माण करना, अच्छे मनुष्य बनाना, ना कि आपकी कुंडली के बुरे योगों को और उकेरना और दिखाना और डराना और आपसे धन लूटना, आपको महंगे टोटके बताना, महंगी पूजा बताना और महंगे रत्न बनाना, कमीशनबाजी करना, उलझाना कुल मिला के, और इतना भयभीत कर देना कि मारक चल रही है, आपका शनि और राहु एक साथ है, या शनि चंद्र का विष योग है, अंगारक योग है, पिशाच योग है, श्राप योग है, काल सर्प योग है, जैसे काल सर्प योग तो फर्जी योग है, इसको भी बता के व्यापार ज्योतिष में चलता है। तो ये ज्योतिष जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा जैसा है, लेकिन ज्योतिष ऋषि पाराशर ने इन सब कारणों से नहीं बनाया था, राजाओं के लिए ज्योतिष थी, एक्चुअल ज्योतिष ही राजाओं के लिए बनी थी, ठीक है। आज से यदि हम पहले चले जाएं, 500 साल पहले जाएं, तो सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार था कि वही पंचांग देखता था, ज्योतिष पे उसका अधिकार था, धर्म पे अधिकार था, है ना। चूंकि अब सारी चीज़ें आज़ाद हो गई, खुल गई है, सब पे अधिकार हो गया है, तो हमको 500 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जिस काल परिस्थिति में ज्योतिष बनाई गई थी उससे हट के 3000 साल आज की वर्तमान परिस्थितियों में आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। अब गरीब व्यक्ति को आप बोल दो यार कि दान दो तो कहाँ से देगा, वो तो आर्थिक स्थिति खराब है उसकी। नक्षत्र पद्धतियों के आधार पर बताया जाता है, जैसे आपका जो भी जन्म होगा, जैसे आपका रोहिणी में जन्म हुआ तो आपको बचपन में चंद्रमा की दशा मिलेगी, ठीक है। यदि आपका भरणी में जन्म हुआ तो आपको शुक्र की दशा मिलेगी, यदि आपका पूर्व भाद्र में जन्म हुआ तो गुरु की दशा मिलेगी, ठीक है। इस तरीके की नक्षत्रों की दशा पे हम फलित करते हैं, इस प्रकार की ये दशा पद्धति होती है। बुध की 17 वर्ष, गुरु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, अब राहु की 18 वर्ष, इसके बाद गुरु की आएगी 16 वर्ष। देखो आप राहु की दशा मतलब तमस से आप जो है सत्व की ओर जाने वाले हो, ठीक है। राहु तमस पैदा करता है, धन की इप्सा पैदा करता है, धन कमाने की अथाल इच्छा पैदा करता है, और बड़े हमारे जीवन में कष्ट देता है राहु, क्योंकि राहु की दशा में केवल हमारे कर्म ही नहीं, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों की भी सजा हमको भोगना पड़ता है, इसलिए राहु की दशा का भी खराब जाती है या तकलीफ देह होती है ना। राहु की और राहु में मंगल, इसको छिद्र दशा कहते हैं। छिद्र मतलब अंतिम की दशा, जो सामान्यतः 90% मामले में नेगेटिव जाती है, 10% रेयर मामले में बहुत अच्छी जाती है। यदि किसी की अच्छी चले गई तो आगे गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी, ये इशारा है, ठीक है। तो बहुत सारी बात एस्ट्रोलॉजर को छुपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोगों को नुकसान होता है, डर जाते हैं बेचारा, मनोबल टूट जाता है। अब जो होना हो तो होएगा यार। राहु में मंगल, देखो मंगल कर्क में 28 में नीच का होता है, 28 अंश में, और मंगल उच्च का होगा मकर में 28 अंश का। ये अंश का बहुत खेल है भैया, यदि आपका नीच का मंगल है और 2-5 डिग्री का है तो उतने खराब फल नहीं देगा नीच का होने पर भी। यदि मंगल आपका उच्च का है और पता लगा कि यार वो 5 डिग्री का है या 3 डिग्री का है तो शायद उतने अच्छे फल ना दे उच्च के होने के बाद भी। कारण क्योंकि जो उसका उच्चत्व और नीचत्व है वो अंशों पर निर्भर है, 28 अंश, ठीक है, चाहे कर्क में चाहे मकर में, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब ग्रहों के फल अपनी अंतरदशा में होते हैं, अंतरदशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका मंगल या मृत्यु भाग में विषघट्टी में है राहु, इसकी जांच करा लेना चाहिए आपको, ठीक है। या आपका मंगल या राहु ये सारे ग्रह पुष्कर नवमांस में है क्या, पंचम नवमांस में क्या है, तो पंचम नवमांस एक राशि के 9 भाग होते हैं। पंचम नवमांस में बैठे ग्रह अच्छे फल देते हैं, पुष्कर नवमांस में बैठे ग्रह अच्छे फल देते हैं, इनकी दशा में लाभ हो जाता है। कभी कभी पुष्कर नवमांस में ग्रह होते हैं और नीच के होते हैं
तो वो भी अच्छे फल देने लगते हैं, भले ही कोई ग्रह नीच का हो, वर्गोत्तम में भी नीच का हो, यदि वो पुष्कर नवमास में हो तो कई बार हमने उसको अच्छे रिजल्ट देते देखा है। तो इसकी जांच आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा लेना चाहिए। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है, ठीक है। सामान्यतः नियम यह है कि कोई भी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा तो शुभ है, और 6-8-12 में होगा तो अशुभ है। राहु के विषय में अनेक वीडियो मैंने बनाया। राहु मानसिक रोग देता है, राहु शैतानी देता है, पंचम भाव में राहु चंद्र की मानसिक स्थिति और बिगाड़ता है, अष्टम में भी बिगाड़ता है, ठीक है। तो राहु के साथ बुध बिल्कुल क्लोज डिग्री में बैठ जाए तो आदमी फिर पता नहीं बहुत उल्टे सीधे काम करने लगे। राहु बुध तीसरे स्थान पर बैठ जाए क्लोज डिग्री में हो तो पता लगा कि यार ये जो है ना साइबर अपराध करता हो, साइबर क्राइम, ठीक है। भैया हमारा काम आपको डराना नहीं है, आपकी मदद करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुंडली रखो बगल में, कर्म करना ही पड़ेगा, ये फाइनल शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह नहीं होता, ऐसा कौन बोल रहा है, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। कर्म ना करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, भूखे ही मर जाएगा। भैया ज्योतिष के वीडियो देख के अपना दिमाग को पागल मत करो, समझ गए। ज्योतिषी आपको पूर्णतः नुकसान पहुंचा सकता है। कौन? जो ऐसा ज्योतिषी जो नक्षत्र नेमी है, जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके लाभ कमाने के लिए कुछ भी बताता, उसकी बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में अच्छे लोग अच्छे ज्योतिषी भी हैं, सबको एक डंडे से मत हांकना। यदि आपकी लगातार खराब दशा, राहु की दशा, उसमें फिर मंगल आ गया, फिर शनि आ गया, फिर शनि आ गया, फिर ऐसे प्राण दशा भी आ गई उसकी, तो नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करना, ठीक है। इससे ग्रह शांति होगी बिना पैसे के, उद्देश्य बिना पैसा, आपका धन नहीं खर्च होना चाहिए। राहु तमस पैदा करता, तमस वाला है तो सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा, दुनिया भर की चीज़ एक्टिवेट करता है। सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाना बड़ी दिक्कत, और तो व्यापारियों के लिए भैया जीएसटी का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, राहु फांसी लगाना, जहर खुराना, जहर सुसाइड अटैम्प, पॉइजन, कंस्पिरेसी, और दुनिया भर की एजेंसियाँ जो एंटी करप्शन से रिलेटेड है, आर्थिक अपराध से रिलेटेड है, ये सब एक्टिवेट होकर हमको परेशान कर सकती हैं। राहु कई बार अच्छे फल देता है भैया, राहु 9वें-10वें स्थान पे धर्म यात्रा करा देता रहता है, तो ठीक है। और जो है राहु के ऊपर से, राहु का गोचर जब होता है, जब मतलब आपकी जन्मकालीन गुरु जो है, गुरु के ऊपर से राहु का गोचर होता है, कई बार जातक प्रॉपर्टी तक खरीदता है, तो ऐसे बहुत सारी बात राहु में है। मंगल के 3 नक्षत्र मृक्षिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ठीक है। और राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और सद्विशा, इन नक्षत्रों में आपके राहु या मंगल होंगे तो अच्छे हैं, कोई बुरे फल नहीं देंगे। सोचो राहु केतु की योगकारिता के विषय में ऋषि पारसन लिखा है, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन जब हम लोग कुंडली देखने जाते हैं ना तो हम लोग को लगता है यार ये शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन उतने अच्छे फल देखते नहीं हैं। हो सकता है कि फिर वो सारी चीज़ें वर्क कुंडलियों में सुधर जाती हों, तो बड़ी गहराई से स्टडी करना पड़ता है। राहु के कारकत्व है, ठीक है, मंगल के ये कारकत्व है, आप इसको रोक के देखो, ये भी मंगल के कारकत्व है, ये भी मंगल के कारकत्व है, ठीक है। यहाँ आपको क्या बिना कुंडली के कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, आपको लघु पारसरी के सिद्धांत, ग्रहों के कारकत्व और ज्योतिषी का अनुभव। जब हम कुंडली देखने जाते हैं तो षोडश कुंडली, नवमांस कुंडली और दुनिया भर के योग हम सब दिखते हैं, सडबल आदि सब देखते हैं, है ना। यहाँ तो हमको नहीं दिखेंगे कुछ, अब हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के, बृहत पारासार के सिद्धांत के अनुसार। कोई बच्चा प्रीटर्म तो पैदा नहीं हुआ 7 माह में, है ना, या 6 माह में, गढ़मूल नक्षत्र देखेंगे, 22वां दृष्कांड देखेंगे, 64वां नवमा देखेंगे, सर्प दृष्कांड, उनके अंश, जेमनी की दशा, भावात भावाम, बनने वाले योग, वर्क कुंडली, अष्टक वर्ग की जांच, देश काल परिस्थिति। कोई बच्चा का गुरु उच्च का है 10वें स्थान पे, तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे वेदांती बनेगा, पता लगा कि यार वो तो बहुत ही मिडिल क्लास किसान परिवार में लिया है, तो हम बोलेंगे किसानों का नेता बन सकता है, किसानों में धार्मिक हो सकता है। हो सकता है वो ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पे मांस मदिरा का सेवन किया जाता हो, लेकिन वो बच्चा नहीं करता हो, ऐसे भी फल देखे गए। जनरली प्रीटर्म बर्थ, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मतलब 14, भद्रा, वैतिपात योग, तीनों प्रकार के गणान, सोदर का जन्म मतलब भाई के जन्म में कभी कोई जन्म होता तो तकलीफ, माता पिता का जन्म नक्षत्र में जन्म हो तो तकलीफ, रवि की संक्रांति, बॉर्डर का रवि सूर्य हो, पात सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जन्म हो, यम घंट, तिथि क्षय, दग्धादि योग, तीतर योग मतलब 3 भाई के बाद बहन या 3 बहन के बाद भाई, जन्म और प्रसव, अन्य योनि, हीन योनि, कभी कभी किसी की 5 जन्म के समय 5 उंगली 6 उंगली होती है, किसी की 4 होती है,
तो ये सब अशुभ जन्म की श्रेणी में बताते हैं, इन्हीं की हम जांच बहुत अच्छे से करते हैं, समझ गए। ये गंडमूल की भी जांच करते हैं, ये गंडमूल नक्षत्र क्या है, छह नक्षत्र हैं, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती ये बुध का है, और अश्विनी मघा मूला ये केतु का नक्षत्र है, ये गंडमूल में होते हैं जातक, तो ग्रह शांति कराई जाती है। और ये जो इनका जन्म गंडमूल में होते हैं ये बड़े इनके जीवन में उतार चढ़ाव, ये डायरेक्ट छक्का भी मार सकते हैं और 99 से 1 में और 1 से 99 में साफ सीढ़ी की तरह इनका जीवन हो जाता है। कई बार खूब प्रगति करते हैं, हमने ऐसे जातकों को देखा है, और ऐसे भी जातक आए हैं जो इन नक्षत्रों के कारण जीवन में बेहद परेशानी उठाए हैं। जिनका चंद्रमा अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती अश्विनी मघा मूला में हो तो गंडमूल कहलाते हैं भैया, ठीक है। इसके बाद हम अष्टकवर की भी जांच करते हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब तालिका होती है एस्ट्रोलॉजर के पास, सबकी जांच होती है। अब ये वाला जो पार्ट है, स्लाइड है, पाराशर मुनि कहते हैं कि मंगल लग्न से 11-5 में हो, मतलब 11वें भाव में 5वें 9वें में तो अच्छे फल देगा, नवांश में भी अच्छा हो। मंगल यदि दशाधिप में अच्छा हो, मतलब दशाधिप में राहु से 5वां 9वां 3रे 11वें हो तो अच्छा फल, और यदि राहु से 6ठे 8वें 12वें में हो तो खराब फल। मंगल यदि द्वितीय सप्तमी से होगा तो खराब फल होगा। तो बताएं पाराशर महाराज ने कि यार अपना बैल का दान और गाय का दान करना। अब बैल और गाय बहुत महंगी है, तो हम बोलते हैं भैया विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लेना, यदि सच्चा में तो थोड़ा सा अनाज या भोजन का दान कर देना, है ना, बात खत्म हो गई। क्योंकि शास्त्र में लिखा है यथा स्थिति, मतलब यथा परिस्थिति, हमारी परिस्थिति भी तो हो दान देने लग गया, हमारा घाटा हो गया और एस्ट्रोलॉजर यार भैंस दान करा रहा है, यार सॉरी बैल दान करा रहा है, 1 लाख का गाय दान करा रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। राहु और गुरु षडाष्टक ना हो, 2 बारा ना हो, नहीं तो खराब फल देते, आपस में 2 बारा और आपस में 6-8 का योग। ये षडाष्टक क्या होगा और कैसे जानेंगे इसको, अच्छे से जानते हैं। देखो आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, ठीक है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल आपका लग्नेश हो गया, शुभ हो गया, और मंगल का एक भाग षष्ठेश है, तो षष्ठेश होने के भी उसको फल मिलते हैं, तो लेकिन फिर भी लग्नेश होकर शुभ, क्या इसका रत्न पहना जा सकता है? इसका रत्न पहना जा सकता है, लेकिन देखो यदि उच्च का होगा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और नीच का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ गए ना। नीच का हो गया तो ये षष्ठेश नीच का हुआ, षष्ठेश नीच का हुआ और लग्नेश नीच का हुआ। देखो लग्नेश का नीच का होना हेल्थ के लिए बिल्कुल हानिकारक है भैया, ये याद रहे। हाँ, लग्नेश का नीच के होना ये अच्छी बात नहीं हेल्थ के लिए, और पिता पिता स्थान पे नीच का हुआ पिता के लिए भी ठीक नहीं यार, मतलब तो भाग स्थान को बहुत खराब करना, ज्योतिष में लिखा है भाग स्थान खराब हुआ तो बड़ी दिक्कत होती है भैया, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका रत्न नहीं पहनना, इसमें क्या करोगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना। अब मंगल उच्च का हो गया आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा हो गया, है ना, तो क्या करोगे आप मंगल के लिए, क्या करोगे बताओ। आपका मंगल उच्च का हो गया तो इसके बाद भी भाई लोग रत्न पहनाते हैं, और भाई लोग पहनते भी हैं, मतलब पहनाने वाला भी लालची और पहनने वाला भी लालची, तो ज्योतिष क्या करेगी, दोनों जातक और ज्योतिषी दोनों चोर, मतलब दोनों को लगता है कि हम मंगल के 20-22 रत्न रत्ती के पहन लेंगे मूंगा ऊंगा तो हमको लाभ हो जाएगा, बड़े धूर्त तो एस्ट्रोलॉजर है और पहनने वाला भी धूर्त, दोनों चोर, ठीक है भाई। जब मंगल उच्च का हो गया, ऋषि पाराशर ने बोल दिया है, तो ये जातक क्या होगा, पराक्रमी होगा, बल पराक्रम होगा तीसरे स्थान पे इसका, और तो ये मंगल छोटे भाइयों को नुकसान कर देगा या जीवानी कर देगा, ठीक, छोटे भाई होंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, षष्ठेश है, कोर्ट कचहरी में दबंग हो सकता है ये आदमी, कोर्ट कचहरी जीतेगा, हारेगा नहीं कभी भी, और क्या हो सकता है। तीसरा स्थान कम्युनिकेशन का स्थान है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, ठीक है, छोटी यात्राएं करने में महारत हासिल होगी, दबंग होगा, नेता होगा, लीडर होगा, ठीक, और इसमें ऊर्जा का भरपूर ऊर्जा होगी, ठीक, ऐसा आप समझ गए। अब मंगल यहाँ पे हो इसका तो अपने से धन में गया, तो अपने से धन स्थान में गया, न्यूट्रल में गया है, कोई हानि की बात नहीं है, ये राजयोग बनाता है, समझ गए ना, राजयोग है ये, यहाँ उच्च का हो गया बता दिया, यहाँ गया तो अपने से चौथा गया, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए अच्छा गया, कोई बुरा नहीं है, अपने से चौथा गया ना, कोई बुरा नहीं है, तो ये योग शुभ योग है। यहाँ गया तो अपने से पंचम गया, ये भी शुभ, जातक बुद्धिमान, पढ़ाकू, पढ़ने वाला, बुद्धि से काम करने वाला, लेकिन संतान के लिए क्या होगा, ये संतान के लिए अच्छा नहीं होता कई बार, ठीक है, अपने से पंचम गया लेकिन ये संतान, कई बार ऐसे मामले में क्या होता है, जातक की संतान से नहीं पटती, जातक कोई शत्रु मानने लगता है वो, और बेटे से नहीं पटती, झगड़ा होने लगता है, ठीक है, तो
तो ये संतान के मामले में यदि बहुत पीड़ित हो, यहाँ पे शनि भी हो, शनि यहाँ से देखा जाता हो तीसरी दृष्टि से, यहाँ से शनि देखे या यहाँ से शनि देखे या यहाँ से शनि देखे, ठीक है, और तो ऐसे में जातक की संतान हानि हो जाती, गर्भपात हो जाता। चलो यहाँ पे फिर भी ये सबसे शुभ योग है। अब छठा यहाँ पे बैठा है तो भैया इसका छठा स्थान मजबूत हो गया, ये कोर्ट कचहरी के लिए बहुत बढ़िया वकील भी हो सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, लड़ाई घिरने माहिर हो सकता है, प्रतियोगिता परीक्षा करने में इसके लिए बड़ा अच्छा योग है भैया, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जीत सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है, हेल्थ के मामले में बड़ा अच्छा होगा, बीमार होगा सुधर जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये पत्नी के लिए ठीक नहीं है, पत्नी से विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, तलाक हो सकता है, ठीक है, पत्नी को मार सकता है, पत्नी को बीमार कर सकता है, ये योग भी पत्नी के मामले में ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने से आठवा गया है, हेल्थ के इशू हो सकते हैं, जातक कई बार बुरे काम कर सकता है, अनैतिक काम कर सकता है, शास्त्रों में तो लिखा है कि चोर होगा, लेकिन अब चोर और तो नहीं होगा, वही टैक्स चोरी करना, गवर्नमेंट के किसी तरीके से अपने काम निकालना, जुगाड़ू बनना, लेकिन रिसर्च में रुचि हो सकती है, अनुसंधान प्रेमी हो सकता है, सीबीआई में काम कर सकता है, और जो है कई ऐसे रिसर्च विंग में काम कर सकता है, खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है, खदान में बहुत अच्छा कर सकता है, माइनिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, योग साधना में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक, बुरा है अब ये बता दिया, इसका ये अच्छा नहीं है, पिता के लिए भी अच्छा नहीं है और जातक स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। मंगल नीच का हो जाए तो कई बार हमने देखे कि उसका साला भी बड़ा गरीब होता है, ये साला खूब नुकसान पहुंचाता है उसको, ठीक है, और भाइयों को नुकसान हो जाता है, कई बार भाई का एक्सीडेंट होना या भाई पक्ष से हानि होना ऐसा, ठीक। यहाँ पे दिग्बली है मंगल, बहुत अच्छे फल देता है, ठीक है, बहुत अच्छा फल है, ये प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, फौज में जाता है, दबंग बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओ ये भी बहुत अच्छा योग बना, देखो ये सब राजयोग बता रहा हूँ, यहाँ गया तो राजयोग, ये भी राजयोग है, क्या होगा, ये मंगल जो है लग्नेश होके यहाँ गया है, ठीक है, तो लग्नेश होके लाभ में गया और उपचय होके उपचय में गया है, तो ये वाला भी योग बहुत बढ़िया है यहाँ पे वृश्चिक लग्न में, और ये योग भी बहुत अति उत्तम है, ऐसा व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, अभी जैसे राहु मंगल चले गए थे बिल्कुल पगला हो जाएगा लाभ कमाने के लिए, और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, लालच पैदा हो जाएगी, काम करने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन है अच्छा योग, क्योंकि उपचय उपचय में जाता है ना, कोई हानि नहीं देता, और 11वां स्थान खराब नहीं है, कौन सा स्थान खराब है, 11वें का मालिक खराब होता है, ठीक है ना। अब यहां पे लग्नेश अपने से 12वां चला गया और अपने से ये अपने घर में देखता है, यहां पे देखो तो ये छठा तो मजबूत कर रहा है लेकिन ये वाले भाव को कमजोर कर रहा है, तो ऐसा जातक कई बार हेल्थ के थोड़े इशू हो सकते हैं, जातक विदेश में जा सकता है या अपने घर से दूर तरक्की कर सकता है, ठीक है, विदेश में वास कर सकता है, विदेश से अपने जीविका साधन चला सकता है, इस प्रकार का ये मंगल का हो गया। अब राहु का षडाष्टक, अब बाकी ग्रहों के बारे में भी तो बता दूं यार मैं, अब यहाँ मंगल का बताया मैंने, हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु कैसा है, इस कुंडली में, इस कुंडली में गुरु सबसे शुभ ग्रह है, गुरु का रत्न ये गुरु यहाँ नीच का हो गया, अब गुरु नीच का हो गया तो इसके रत्न नहीं पहनना, लेकिन बाजार का एस्ट्रोलॉजर पहनाएगा और आप पहनोगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब गुरु यदि नीच का हो गया तो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, गुरु ठीक हो जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगे अभी तक। अब यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया, इसके बाद भी एस्ट्रोलॉजर पहनाएगा और हमारा भारत का जातक पहनेगा, लालची जातक, ठीक है, क्योंकि कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। अब यहाँ पे अच्छा हो गया तो ये हमने कई बार वैवाहिक जीवन में तो ठीक है, लेकिन भैया ये संतान के मामले में तकलीफ हो जाती, संतान नहीं होती कई बार यार, पंचम से पंचम, ठीक है, संतान को कष्ट देता है, धर्म के मामले में बहुत होता है, और यही गुरु यहाँ वक्री हो जाए तो इसका पूरा धर्म भ्रष्ट कर देगा, वक्री गुरु बहुत खराब होता है यार, ठीक है, तो यदि वक्री ना हो तब तो ठीक है, और वक्री होगा तो कष्टप्रद, ये पिता के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आप हो सकता है कोई धार्मिक बड़ी रुचि हो, आप वेदांती हो और मठाधीश हो, अध्यक्ष हो, धर्म के मामले में बड़े ठेकेदार हो धर्म के, तो बहुत अच्छा है। यही गुरु वक्री हो जाएगा तो चोर हो जाओगे, संत हो के भी चोर होने में ज़्यादा नहीं लगा, भगवा पहन के लूटपाट करोगे, ठीक है, तो ये वक्री नहीं होना चाहिए और पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, कहीं पीड़ित हो गया और शनि से दृष्ट हो गया तो ये चक्कर मत रहना भैया, यहाँ पे सब अच्छे जो योग हैं भी बिगड़ जाते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बाध केस है। अब चलते हैं गुरु, तो गुरु यदि यहाँ हो छठे आठवें बारे में हो तो रत्न ना पहने, है ना, बाकी केंद्र में हो तो अच्छी बात है यार, कोई बुरा नहीं है। अब देखते हैं शनि को, शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह नहीं है यार, क्योंकि तृतीय सो के खराब है और यहाँ इसको केंद्र का दोष नहीं लगता तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। शनि यदि नीच का होगा तो यहाँ शनि यहाँ नीच का हो गया, ठीक है, तो ये बहुत खराब नहीं है, क्योंकि उपचय यहाँ के नीचे हुआ ना
तो खराब फल नहीं देगा। तो छठे स्थान के तो बहुत कोई खराब फल नहीं आने वाले हैं, हाँ फोर्थ के खराब हो सकते हैं, ठीक है, छठे स्थान के फल खराब नहीं होंगे। तो यही बहुत कोर्ट कचहरी जीत जाते हैं ऐसे लोग, बहुत दबंग होते हैं भैया ऐसे लोग भी, ठीक है ना। और क्योंकि उपचय नीच का हुआ तो कोई हानि नहीं देगा, ठीक, इसके रत्न नहीं पहनना। यहाँ उच्च का हो गया तो भाई विदेश में बहुत अच्छा कर सकता है जाता क्या, समझ गए, विदेश में अच्छा कर सकता है, विदेश में जाके बस सकता है और विदेश में तरक्की कर सकता है, सिंपल। अब्रॉड वाला प्लानेट अच्छा हुआ है तो ये कोई बुरा योग नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, हो सकता है अपना घर ही बेच के विदेश में बच जाए, ये भी पॉसिबल है। तो शनि उच्च का या नीच का हो तो जरूरत नहीं रत्न की, गुरु का बता दिया, आप गुरु का रत्न पहन सकते हो पुखराज, है ना। मंगल का भी बता दिया, मंगल का मुंह का कैसा। अब शुक्र, शुक्र इसमें मारक है और ये खराब है, तो इस कुंडली में शुक्र बहुत खराब है। शुक्र का रत्न जो है पहनना नहीं, यदि शुक्र नीच का हो गया कहीं तो ऐसे, ये नीच का हो गया तो इसका विवाह खराब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे विवाह में डिस्टर्ब हो गया। सप्तमेश नीच का हुआ है ना। अब इसके बाद हम इसकी ना उपद भी देखते हैं, उपद से भी ये बारवा हो गया। उपद क्या हो गया इसका, ये उपद इसका हो जाएगा, पर ये उपद आ जाएगा। तो यदि चौथा स्थान पीड़ित हो और यदि दसवा इसका पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में जब इसका शुक्र यहाँ नीच का हो तो इसका वैवाहिक जीवन गया। क्या मैंने बोला, यदि इसका दसवा भी, देखो शुक्र यहाँ बैठा हो आपका, और यदि आपका ये पीड़ित हो, यहाँ केतु हो, यहाँ राहु हो, पाप ग्रह हो, और ये दोनों स्थान पीड़ित हो, ठीक है, पता लगा कि शनि भी पीड़ित हो, तो इसका वैवाहिक जीवन खत्म, ठीक, ऐसे जानना। शुक्र का रत्न नहीं पहनना, क्या बोला, शुक्र का रत्न नहीं पहनना। और यदि उच्च का हो गया तो बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा योग बन गया, ठीक हो। सप्तमेश यदि उच्च का है तो सप्तमेश कई बार ऐसे ही योग विवाह डबल करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्र ज़्यादा लग्जरी देता है, लस्ट देता है, काम वासना देता है, और कहीं यहाँ मंगल आ गया और बराबर अंशों में हो तो और ज़्यादा तक घूमो फिर लड़कियों के चक्कर में घूम रहे हैं इधर उधर बंदर जैसे, ठीक है। अब देखो, तब देखो कहाँ हो गया, इसके रत्न नहीं पहनना, नीच का भी बता दिया। देखो शुक्र यदि छठे आठवें और बारहवें हो तो रत्न नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि पूरी डिमांड रत्नों की पूरी ऐसी तैसी कर दी है लोगों ने ज्योतिष की, पूरी ज्योतिष को सिर्फ रत्न बना दिए, सोचो बताओ। रत्न बेचने वाला अपने अपनी दुकान के सामने, मैं ज्योतिषी हूँ उसका भी बोर्ड लगा लिया, उसको रत्न बेचना बेचारे को क्या करेगा यार, वो पेट है उसका भी यार, क्या बोलूँ उसको मैं, सभी तो चोर हैं यार, कौन बचा बताओ, किसको गाली दिया जाए। इसलिए ठीक भैया बेच यार, तेरा अच्छा चल रहा है तो बेच, कमेंट मत करना, गाली मत देना बस। अब बुध इस कुंडली में बहुत खराब है, बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। यदि बुध उच्च का हो गया तो कहाँ उच्च का होगा, बुध कहाँ उच्च का होगा, यहाँ पे, तो भैया ये बहुत अच्छा है, हो गया यार, कोई जरूरत नहीं रत्न रत्न की, है ना। देखो बुध उच्च होना बुद्धि का प्रतीक है और ये अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें यदि ये छठे और आठवें और बारहवें में हो तो बिल्कुल रत्न नहीं पहनना। और नीच का हो गया तो, ये नीच का हो गया षष्ठेश, यहाँ पे अष्टमेश नीच का हुआ है, ठीक है, तो भैया ये संतान के मामले में कष्टप्रद हो सकता है। वो तब जब यहाँ से शनि की दृष्टि आए, शनि यहाँ हो या शनि देखा हो और यहीं कहीं मंगल भी घुस जाए, ठीक है, ये मंगल आ जाए षष्ठेश और मंगल यहाँ से देखे, मंगल यहाँ से देखे, तब गर्भहानि होती है, ऐसा जानना, ठीक है। तो इसमें चंद्रमा का रत्न पहन लेना, चंद्रमा बाद के से सावधानी से, है ना, चंद्रमा नीच का हो तो रत्न नहीं पहनना और चंद्रमा उच्च का हो तो रत्न नहीं पहनना। अब देखते हैं चंद्रमा कहाँ उच्च का होगा, चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होगा ये, ठीक है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है, कभी कभी बीवी सुंदर मिलती है, संपन्न मिलती है, रिच फैमिली की मिलती है, आपकी फैमिली से बड़ी फैमिली की मिलेगी। अब आगे बढ़े सूर्य, सूर्य का नग पहन सकते हो, इस कुंडली में सूर्य योगकारी है, अच्छा है, ठीक है। अब सूर्य कहाँ उच्च का होगा, कहाँ नीच का होगा देख लेते हैं। सूर्य यहाँ नीच का हो गया, सूर्य की दशा आएगी, बहुत खराब फल आते हैं, ठीक है, सब कुछ तबाही हो जाती है। और सूर्य नीच का हो गया, उच्च का कहाँ होगा, उच्च का होगा सूर्य, ये यहाँ उच्च का हो गया, ठीक है। अब सूर्य यहाँ दसवें से यहाँ उच्च का होगा ना, कई बार बहुत अच्छे फल नहीं आते भैया ऐसे मामले में, उच्च का तो है लेकिन छठे स्थान पर उच्च का है, कोर्ट कचहरी चलते रहेगी, ठीक है, जीतता रहेगा, हारता रहेगा, हारेगा नहीं जीतता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे फल नहीं आते हैं, ठीक है भैया। है तो छठा स्थान ना, बुराई को एक्टिवेट कर देता है, रोग ऋण बीमार की लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी, जीत जाओगे हारोगे नहीं, लेकिन यार लड़ना किसको पसंद है, ठीक है, ये सारे बता दिए मैंने आप, ठीक। अब मैं राहु और गुरु का षडाष्टक बता देता हूँ, अब राहु और मंगल यहाँ हो, ये षडाष्टक, ठीक है, ये मंगल हो या षडाष्टक, ऐसी स्थिति षडाष्टक कहलाएगी। और आपस में ये दो बारह का ही हो, ये भी खराब, ये भी खराब, ऐसे शास्त्र कहते हैं, दो बारह आपस में हो, षडाष्टक हो तो खराब फल,
सब बता दिया यार मैंने, ठीक है। अब क्या बच गया, 2 मिनट यार, देख लूँ जरा। तक बात हो गई, ठीक है। अब हमने आपकी कुंडली देखे नहीं है, बिना कुंडली देखे कितना ज्ञान देंगे यार, जितना दे सकते दे दिए, है ना, सीमा भाई हमारी भी, है ना। अब चंद्रमा इसमें बाधके से जान लेना, लेकिन बाधके से तब होगा जब इसमें मांदी का वास्ता हो, चंद्रमा मांदी से मांदी के साथ हो, या मांदी स्वयं यहाँ बैठा हो, तो बाधके से होगा, अदरवाइज नहीं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, रत्न का भी बता दिया मैंने। देखो मैं रत्न को नहीं मानता, लेकिन अब पूरी दुनिया उल्टी चल रही थी, मैं भी भारत में ही रह रहा हूँ यार, मेरे अकेले साधु बनने से क्या हो जाएगा बताओ। पूरे लोग बोलते हैं रत्न बता दो, कुछ भी बता दो, वो अंततः फिर वही है ना, पूरी रामायण बताने के बाद वही भाई, राम और सीता के क्या संबंध है, तो बहन बोल देगा वो, तो वैसी ही बात है, ठीक है। वो पूछेगा रत्न ही, उसके दिमाग भर दिया टीवी ने, एस्ट्रोलॉजरों ने, वो धंधे हैं पैसे कमाने के यार। प्रारब्ध नाम का एक वीडियो बनाया हूँ, बड़ा अच्छा है, देख लेने यार, मेरे चैनल में अच्छे अच्छे वीडियो है, आप थोड़ी मेहनत करोगे तो अच्छे मिलेंगे। देखो होनहार नहीं मिटता यार, साफ बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठने सहनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूणमते संप्रते सनित काले नाहीं नाहीं रक्षति डुकुंज कर्णी। केवल भगवान का नाम जपो, गृह शांति होगी। और ये जो गृहनारायणी पुराण में लिखा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, इस कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गया समझ में, ठीक है। और तो भगवान कह देते हैं भैया, क्या भगवान ने कह दिया है कि ये वाली बड़ा अच्छा है, ये देख लो रामचरितमानस का, भाय को भाय अनकाल सहु नाम जपत मंगल दिसी दसु, सुमरी सो नाम राम गुन गाथा करहु नाउ रघुनाथ ही माता। भैया लाली भी आ रही तो नाम जप, नहीं ना आया तो भी जप ले, कोई दिक्कत नहीं, ठंड का समय है, कोई मर्डर नहीं करने वाला वाला है कि भाई नहीं नहाया यार तेरे को मारूंगा, भगवान राम आएंगे, कि बिना नहाए जप रहा है। लिख दिया शास्त्र ने, भाव कुभाव कैसे भी हो नाम जपो ग्रह शांति। पैसे नहीं लगते ना यार, पैसे का काम ही नहीं है। देखो मंगल की शांति होगी, मंगल का व्रत कर लो, मंगलवार दिन भोजन करा दो गरीबों को, क्षमता हो तो गरीब गुरबे दान के चक्कर में ना पड़े। मंगल के लिए ओम अमंगारकाय नमः, ये जप लो, और सरल वाले मंत्र भी ले लो चाहे तो, इससे ज्यादा कठिन लोगे तो फिर सब उल्टा सीधा जपोगे, ठीक है। धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति सप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणम्यम, ये नवग्रह वाला स्त्रोत का मंत्र, इसको ही जप लो। ये अंगारक है, अंगारक स्त्रोतम है, बहुत बढ़िया है, इसको जप लो। मंगल शांति ऋण शांति, मंगल की स्तुति, ये भी बढ़िया, ये मंगल का ऋण मोचक। कोई ऋणी हो जाता है ना, आदर ज्यादातर लोग फोन करते साहब मैं ऋणी हो गया, उनके लिए पैसे नहीं लगे, आप ऋणी हो गए हो फिर भी मेरे को मूंगा पहन नहीं है साहब, क्योंकि मैं मेरे को दिमाग में भरा कचरा है। मंगल कवच, ठीक है, ये मंगल का कवच, ठीक। ये राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, अरे इसी को जब डालो ग्रह शांति हो जाएगी। माँ दुर्गा राहु स्त्रोतम, राहु की शांति, ये राहु कवच, राहु की शांति, राहु का दान, ये राहु गोचर में खराब हो तो, ये राहु का दान, ये राहु का दान, ये इसमें लिखा है कि यदि ग्रह नीच के हों, 6-8 बारे में हो तो रत्न धारण नहीं करना। फिर उनके लिए क्या करना, मंत्रों का जपना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु शांति, चाहे राहु कितना खराब हो, आप सीधे साधे हो तो ग्रह आपको नहीं परेशान करते, सुख दुख जीवन में आता जाता है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है। नारद भक्ति में कहता है कि भक्ति करने से ग्रह शांति होती है, चाहे कितने बुरे योग एस्ट्रोलॉजर ने बताया, कितने बुरे, शिव के नाम राम के नाम कृष्ण के नाम जो नाम लेना लो, आजादी है, ठीक है ना। अपने गुरु मंत्र भी बढ़िया है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। क्षिप्रम भवति धर्माता सस्रत शांति निगच्छति कौन्ते, कुंती पुत्र सुनो, प्रति जान ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता कभी भी। दान जप विष्णु सहस्रनाम शिव सहस्रनाम मृत्युंजय मंत्र स्वाध्याय करना, रामचरितमानस भागवत हनुमान चालीसा स्त्रोत पाठ राम के स्त्रोत ललिता सब, ढेर उपाय, सबसे ग्रह शांति। और कुछ नहीं समझ में आए तो एक टू एक गीता प्रेस का ले लो, इससे ग्रह शांति हो जाएगी। लेकिन आपको यकीन नहीं आने का, क्योंकि आपको 1500 mg का एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि आदत हो गई है कि यार इसने तो बड़ा सरल बता दिया, इसका चैनल नहीं चलता होगा, ये मूर्ख होगा, मेरे को तो बहुत बड़ा रत्ती का चाहिए, मूंगा है ना, पूरी टोपी लगा ले भाई, रत्न की टोपी बना ले, है ना। इतना ही होता तो सेठों के पास तो ऐसे कई ठो मूंगों के ट्रक, इतने पैसे मूंगे का ट्रक खरीद ले लोग,
इतना पैसा हिंदुस्तान में, कमी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या मूंगे से सब कुछ होने लगेगा? नहीं। ईश्वर ग्रह शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, क्योंकि जो डेस्टिनी है वो होके रहेगी, डेस्टिनी अटल है, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है भैया, इसलिए वीडियो बना दिया हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं युद्ध नहीं रोक सकता यार, ये मेरे बूते की बात नहीं, क्योंकि मैं प्रारब्ध नहीं बदल सकता। तो ये वीडियो 30 मिनट का हो गया है, काफ़ी गुणा ज्ञान बता दिया हूँ। मार्केट में लुटेरे लोगों से सावधान रहो, उनका काम है लूटना और आपका काम है पिटना, ठीक है, उनका काम है लूटना और आपका काम है लुट पिटना, आपका काम है लुटना और पिटना, क्योंकि आप स्वयं ही लुटने पिटने गए हो भैया। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है यार, कोई गांव भर में आप अकेले थोड़ी हो जो आपको आर्थिक हानि हो गई, गांव भर में आप ही अकेले थोड़ी हो जो आपको बीमारी हो गई, ढेरों लोग हैं, सबको कष्ट आता है। तो थोड़ा सा ईश्वरी मन, ईश्वर में मन लगाओ, दारू मुर्गा उल्टे सीधे काम चोरी चकारी सब बंद करो, थोड़ा ईश्वर में रमण करो, भगवान के भजन करोगे तो कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे गृह शांति। और तो और मथुरा में महाराज आजकल वृंदावन वाले महाराज है, प्रेमानंद महाराज, उनको भी सुन लोगे तो गृह शांति हो जाएगी, ना कोई टोटके ना घी का दुया, ना कोई सुबह सुबह उठ के कोई गंदा टोटका या कोई रुद्राक्ष ही पहन लो बोले उसी से, कुछ भी उपाय नहीं, बिना उपाय के भगवान के नाम के भजन लो, गृह शांति। अब ऐसे में लोगों को लगता होगा यार इतना सरल बता दिया तो हमारे पेट का क्या होगा यार, हम तो टोटके बताएंगे, फीस लेंगे, डराएंगे, तभी तो क्लाइंट आएगा, है ना। तो आप लोग जो हमारा कलयुग है उसके प्रभाव के कारण एस्ट्रोलॉजर अब नहीं रहे, वो उसको नक्षत्रनेमी बोलते हैं, नक्षत्रनेमी मतलब बदमाश एस्ट्रोलॉजर जो लूटपाट करता है ज्योतिष के नाम पे। तो ज़्यादातर लोग क्या हो गए, नक्षत्रनेमी हो गए, बदमाश एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष के नाम पे बड़ी पूजा बता के लोगों को ठग लेता है, या बेचारा कोई गरीब गुरबा उसके पास आ गया तो उसका फायदा उठा के उसको बहुत डरा के कि तेरी मारक की दशा चल रही है, अभी तो कुछ नहीं हुआ तू मर जाएगा, तो फिर वो बेचारा बड़ी बड़ी पूजा कराता है डर के मारे, पैसे नहीं रहते तो भी कहीं से अरेंज करके कराता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र नेमी, वृहत जातक, न वृहत जातक नहीं, कौन सी किताब है यार वो, उसमें दिया है, उसका मैंने वीडियो बनाया है ना। अब मैं अपना जो है वाणी को विराम देता हूँ, काफ़ी ज्ञान हो गया, जो यदि 32 मिनट का वीडियो देख लेगा उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और डर खत्म हो जाएगा। गीता का पाठ करो, आनंद से रहो, हरे कृष्णा।